सीधे उस ओर जिस ओर का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, जवाबी कीर्तन की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, परमा दड़िया बड़ी बहन पद्मा शर्मा जी, लीजिएगा प्रथम गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। परमात्मा हर जगह है, मां का दरबार देखा, पहले सोचा मां का गीत हो, बिल्कुल, लेकिन मां में तो सकल सृष्टि समाहित है, और जब सकल सृष्टि समाहित है तो मां का वंदन हुआ, मां की वंदना हुई, तो बात तो मां की सबसे पहले हो ही गई। अब मैं चाहता हूं सीधे जवाबी की ओर। बिल्कुल अतिशीघ्र, एक गीत बजा, कौन सा? अरे खिड़की कौन कौन दरवाजा, क्या बात है, क्या बात है, फिल्मी दुनिया में गाया। हाँ, खिड़की खोल खोल दरवाजा, गुस्सा ना कर बाहर आजा, तू जैसे कहे मैं तुझे मनाऊं, तेरे नखरे सभी उठाऊं, पूरे करूंगा तेरे वादे, मेरी बिगड़ी बात बना, बिगड़ी बात बना दे, बिगड़ी बात बना दे, अरे मेरा तब इंसाफ करेगी, मेरा तब इंसाफ करेगी, तू मुझको माफ करेगी, मेरा तब इंसाफ करेगी, तू मुझको माफ करेगी। अरे नोक झोंक तो प्यार में, अरे नोक झोंक तो प्यार में हर बार होती है, जब जब मियां बीबी में तकरार होती है, तो मियां बाहर होता है और बीबी अंदर होती है, मियां बाहर होता है, बीबी अंदर होती है, मियां बाहर होता है, बीबी अंदर होती है। आइए कीर्तन एक शाब्दिक आनंद है, कुछ लोगों को तो बताने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों को जरूर बताना पड़ रहा है। एक पंक्ति सुने गुने, ताकि हम बच्चों का ये परम सौभाग्य बन जाए कि हमसे कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। दादाजी बात उस समय की, जब देवताओं के गुरु बृहस्पति, उन्होंने अपने पुत्र को संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा। दादाजी शुक्राचार्य के पास भेजा, पुत्र गया शिक्षा लेने, एक दो दिन तो उनके आश्रम में रहा, बिल्कुल, लेकिन आश्रम में रहते रहते जो उनके अन्य शिष्य थे, उन शिष्यों को उस बृहस्पति पुत्र से घृणा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, अब जब घृणा हो गई, बहन जी घृणा हो गई, तो एक दिन उन शिष्यों ने मौके का फायदा उठाकर एक गजब कर दिया। किया क्या, जब गुरु शुक्राचार्य आश्रम में नहीं थे,
तो उन लोगों ने उस बृहस्पति पुत्र को काट कर सब्जी बना दी। काट कर सब्जी बना दी बहुत भैया जी। और जब सब्जी बना दी तो मेरी बात कह रही है क्या क्या, अरे तन को काट काट कर डाला, क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छे ओका, क्या बात लड़े हैं, जय हो भोलेनाथ। शिष्यों ने तन को काट काट कर डाला, काट कर कर क्या डाला, सब्जी बनाई और खुद भी खाया, गुरु को खिला डाला। ये किया भैया, खुद खाया और जब गुरु जी आए तो उनको भी सब्जी खिला दी, और जब खिला दी तो गुरु ने थोड़ी देर बाद सब बच्चे बैठ गए, सब शिष्य बैठ गए। गुरु जी ने पूछा ये बताइए वो एक नहीं दिख रहा कहां गया, कहां कहां वो पेट में गया, एक नहीं दिख रहा। जब बहुत ज्यादा डांटा पूछा तो शिष्यों ने बताया गुरु जी अरे उसकी तो सब्जी बना दी हम लोगों ने, और उसको खा भी लिया, उसको हमने भी खाया और आपने भी खाया। आए गुरुवर, तन को काट न छाट पकाया, खुद भी खाया गुरु को खिलाया, चेलों ने चेले को मिटाया, गुरु जब जान गए यह माया, ऐसी घटना घट गई तो गुरुजी ने किया क्या 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 किया गुरुजी ने, अरे गुरु ने विद्या उधर सिखाया, गुरुजी ने जो विद्या वो सीखने आया था उससे कहा बेटा मैं तुमको पेट के अंदर ही वो विद्या दे रहा हूं, बिल्कुल उस विद्या से, उस संजीवनी विद्या से तुम जीवित हो जाओगे, और जीवित होकर मेरा पेट फाड़ कर बाहर निकल आना भैया जी, और पेट फाड़ कर बाहर निकलना, अब तुम्हारे पास संजीवनी विद्या होगी, मैं तो मर जाऊंगा तो जब बाहर निकलना तो मुझे भी जीवित कर, तब मुझे जीवित कर लेना। गुरु जब जान गए यह माया तो गुरु ने विद्या उधर सिखाया, कछु फिर जिंदा होकर आया। आखिर आखिर वो कछ, उसका नाम था कछ, जब जब जिंदा होकर बाहर आया तो एक पंक्ति बनी, बिल्कुल बिल्कुल बनी, क्या क्या कि विद्याओं में भी जाना, अरे विद्याओं में भी जाना, अनुपम जौहर होता है दादाजी, विद्याओं में भी जाना अनुपम जौहर होता है। अरे ऐसी ऐसी विद्याएं, कैसी विद्याएं कैसी, अरे विद्याओं में भी जाना अनुपम जौहर होता है, क्या क्या जो मुख से अंदर जाता है पेट से बाहर होता है। ये अमूल्य आशीर्वाद परम आदरणीय दादाश्री बीनू वाजपेयी जी आपके कर कमलों से
ये मेरे लिए 2000 20000 2 लाख गिनती नहीं है। हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। अरे दादाश्री वीरेन सिंह कोटेदार जी नमा केड़ा से आपके कर कमलों से 51 प्रपत्र बताए, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। अरे विद्याओं में भी जाना अनुपम जौहर होता है, मुख से अंदर जाता है, पेट से बाहर होता है, अंदर जाता है, पेट से बाहर होता है। भैया जी मुख से अंदर गया और पेट से बाहर निकल आया, उसने गुरु जी को भी जीवित किया। बिल्कुल, ये था सतयुग। आइए त्रेता सुनिए। अरे मन को बाप बाप वो जाने, चलो भैया जी। मन को भाप भाप वो जाने, जब रसदारों का सुरसाने, जब बाबा बजरंगबली जा रहे हैं, सुरसा नामक स्त्री ने उनका रास्ता रोक लिया, और जब रोका तो हुआ क्या? क्या क्या हुआ? अरे मन को भाप भाप गए कपिवर, सुरसा रे सुरसा के हित कर, गुण आकर सागर के अंदर, बुली बल बद पहचान विस्तल। भैया जी क्या गुण गुण आगर सागर के अंदर, बुद्धि बल की पहचान निरंतर, ज्ञान नाम मागर गण्यम अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम। जब सब समझ गए तो हुआ क्या? क्या करके मासुर साता आदर, भैया माता का आदर किया। हाँ, और किया क्या? क्या क्या किया? हर करके मासुर सा का आदर, और गए कपिवर, और कर गए कार्य अनोखा कपिवर। अब किया क्या? क्या अरे कभी कभी ज्ञानी के ज्ञान का अवसर होता है, कभी कभी ज्ञानी के ज्ञान का अवसर होता है, और वहां मुंह से अंदर पेट से बाहर, तो यहां मुख से अंदर जाता है और कान से बाहर होता है। अरे मुख से अंदर जाता है और कान से बाहर होता है, मुख से अंदर जाता पेट से बाहर होता, मुख से अंदर जाता कान से निकल गया। तीसरी बात सुनिए। तीसरी बात, द्वापर युग में जब बकासुर भगवान श्री कृष्ण को मारने आया तो एक घटना घट गई, सुनिए क्या। बिल्कुल, अरे सबने जानी जानी कहानी, क्या बात है, क्या बात है छोटो, सबने जानी जान कहानी, वो था खल बड़ा अभिमानी, उसने किया क्या? क्या क्या किया? अरे सबने जानी एक कहानी, गोकुल आया वो सैतानी,
आया गोकुल, अब उसने किया क्या? क्या क्या किया? मुंह फैलाया। उसने सोचा मैं किशन को समाप्त कर दूंगा, लेकिन लेकिन परमावतार भगवान श्री किशन को भरा मेटने वाला कौन है? तो कहना पड़ा, अरे सबको मारे कृष्ण सैलानी, मेटे उनकी नामो निशानी। उसने जब है बकासुर मारा, पहले पेट में स्वयं पधारा। जब बकासुर को मारा तो उसने जब है बकासुर मारा तो पहले पेट में पधारा। पहले चले गए अंदर और पहले आराम से चले गए, मुंह खुला था, अंदर चले गए। उस बकासुर ने सोचा मैंने तो खा लिया, लेकिन वापसी में वो कन्हैया चीरते हुए चले आए। तो एक बात कह रहा हूं, उसने जब है बकासुर मारा पहले पेट में पधारा। ये क्या बात है बेटे? तो बात निकल कर आई क्या? अरे हर प्रश्नों का कान्हा, अरे हर प्रश्नों का कान्हा, मेरा उत्तर होता है ये। अब यहाँ वो मुख से अंदर जाता है और मुख से बाहर होता है। पेट से बाहर आता, मुख से अंदर जाता, कान से बाहर आता, मुख से अंदर जाता तो मुख से बाहर आता। अंतिम और आखिरी बात कलयुग सुनिए। हाँ दादाजी, कहना पड़ा क्या? क्या कहना पड़ा? कलयुग जाने जाने आप सभी, भैया जी कलयुग जाने जाने आप सभी, घटना घट जाती कभी कभी अचानक। भैया जी कैसी घटना? अरे कलयुग सुंदर दृश्य सुहाए, नैनों से छवि अंदर जाए। कहीं जा रहे हैं, अब जो जैसा देखता हो, कोई बहुत अच्छी चीज देख ली, बहुत अच्छी वस्तु देख ली, बहुत अच्छा स्थान देख लिया, तो वो नैनों के द्वारे से अंदर चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जब हम कल्पना करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगी। और अगर कहीं जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दंगा हो रहा है, बिल्कुल वो भी अंदर चला गया, लेकिन जब उसको याद करें तो पता लगा तब रोए खड़े हो गए। खड़े कलयुग सुंदर दृश्य सुहाए, नैनों से छवि अंदर जाए, दिल के अंदर जगह बनाए, मन मानस को सदा लुभाए। और कभी 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 हमारे नव युवक भैया लोगों के दिल में बसा, नैनों से अंदर तो चला गया, लेकिन केस जब पहुंचा थाने दादाजी तो हुआ क्या? क्या हुआ? हरी मूरत या सूरत बस जाए, चाहे फिर परमात्मा की मूरत हो, हरी मूरत सूरत बस जाए, मन के तार सभी कस जाए। और जब कस गए तो कभी कभी ऐसा होता, कहला बोले हमने देखा था ऐसा, वहां कांड हो रहा था, बोले चलो गवाही दो चल के। चलो दादाजी,
तो हुआ क्या, लोग डर के मारे, अरे सदा रागिया दृश्य नहीं, सदा रागिया दृश्य नहीं, हर मनहर होता है। और वो न मुख से अंदर जाता है, न मुख से बाहर होता है, अंदर जाता है, मुख से बाहर होता है, अंदर जाता है, मुख से बाहर होता है। ये वो मुख से अंदर जाता है, पेट से बाहर आता है, मुख से अंदर जाता है, कान से बाहर होता है, मुख से अंदर जाता है और मुख से बाहर आता है, न मुख से अंदर जाता है, न मुख से जाई है। पहला पहला गीत है हमारे आज के साथी कलाकार का, हाहाकार जवाबी। और खिड़की खोल खोल दरवाजा हटे, ओ मियां बाहर होता है, गेट आउट फ्रॉम माय रूम, चलो बाहर निकलो ये सर्दी में, नोक झोंक मियां बीबी में हर बार होती है, जब जब मियां बीबी में तकरार होती है। क्या है बहन जी, होता ये है कि मियां बाहर होता है और बीवी अंदर सोती है, होने का फायदा होटल में खाना, बीबी को खुश रखो, बाहर जाने की नौबत ही नहीं आएगी। अवधेश भैया ध्यान रखिएगा इस बात को, ये गुरु मंत्र दे रहे हैं, उधर देख के ना, बीबी को खुश रखिए, बाहर जाने की नौबत आएगी नहीं, चाहे ना मानो तो पवन भैया से पूछ लो, हमारी बहू को बहुत खुश रखते हैं ये, इसलिए इनको कमरे से बाहर कभी जाना नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा गीत आया आपका। सतयुग में कच्छ की बात आपने बताई और मुख से अंदर जाता है और पेट से बाहर होता है। फिर त्रेता में आपने सुरसा हनुमान जी की बात बताई, मुख से अंदर जाता है कान से बाहर होता है, लेकिन वो तो होती है,
सुरसा इज फीमेल, नारी है ना, क्यों दीक्षित जी? हनुमान जी की बात कर रहे हैं, सुरसा की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी बेचारे सोचने लगे ये पद्मा जी क्या कह रहे हैं, क्या गड़बड़ हो गई। कोई गड़बड़ नहीं, वो डरा रहे हैं आपको। हमारे रहते हुए कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, यही हम लोग का काम है, घुमा फिरा के बात करना। तो ये त्रेता निपट गया, हम लोग भटकाने का प्रयास करते हैं, मुंह से अंदर जा रहे हैं और कान से बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद द्वापर में बकासुर और कन्हैया जी, मारे बकासुर, मुख से अंदर जा रहे हैं और मुख से बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद कलयुग में ना कोई मुख से अंदर जा रहा है ना कोई मुख से बाहर निकल रहा है, या कान से बाहर निकल रहा है ना पेट से बाहर निकल रहा। लेकिन सब्जी नहीं बनाई गई। हाँ ये बात तो है, सब्जी नहीं हजम हो रही, सब्जी नहीं बनाई गई। सुनिएगा मैं, हाँ ये हमने भी पढ़ा है, राख को लिक्विड में मिला दिया गया था। आओ का लिक्विड मतलब समझो, ड्राओ। लेकिन आप, आपके हिसाब से अगर आपने कहीं पढ़ा है कि सब्जी बनाई गई है तो कोई दिक्कत नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, सब्जी बनाओ अचार बनाओ। देखिए ये जो हमारे लोग बाहर से आए इनको हंसाना भी है, okay. तो जब हंसाना है तो सब्जी अचार चटनी पापड़ दही बड़ा, okay, चाहे आम का बनाओ चाहे कटहल का, सबकी बात करनी पड़ेगी तभी इन लोगों को एंजॉय होगा, इन लोगों को अच्छा लगेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। आइए आइए, नहीं मतलब वहीं बैठे रहिए। तो जवाब आपको सुनाने जा रही हूँ। पहला जो प्रसंग है, पहली जो कहानी है, पहले कहानी बता दूं। एक ऋषि हुए जिनका नाम था तुंगभद्र। उनके बेटे को एक दूसरे मुनि ने, जिनका नाम था सुमेर मुनि, उन्होंने क्रोध में आकर जलन की भावना से आपस की कुछ ऐसी रंजिश हो गई, जिसके चलते अपने प्रताप से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने प्रताप से तुंगभद्र ऋषि के पुत्र को गन्ने का पेड़ बना दिया, यानी गन्ना बना दिया। मीठा वाला एक, जब गन्ना बना दिया फिर उस गन्ने को पेरा गया, कोल्हू में गन्ने का रस बनाया गया और रस बनाकर धोखे से उनके ही पिता को पिला दिया गया। काफी समय के बाद जब ऋषि ने अपने पुत्र को पुकारा तो वो तो पेट में पहुंच गया था गन्ने के रस के रूप में, तो देखिए हुआ क्या क्या। अब जैसे ये मौसम है, थोड़ा सा इसमें आनंद का भी मिश्रण कर रही हूं। गन्ने का रस धोखे से पिला दिया, जो कि गन्ना उनका बेटा था, और जब पी लिया गन्ने का रस तो ऋषि को जुखाम हो गया। सर्दी। तो हुआ क्या सुनिएगा। तन को देखो पेड़ बनाया, और जब गन्ना बना दिया तो उसका रस निकाल कर उनके ही पिता को पिला दिया, तो हुआ क्या क्या। वो तन को देखो गन्ना बनाया,
अपनी दिखलाई है माया, अपनी दिखलाई है माया। और ये ले गुरु, बोहनी करो बोहनी। हमारे ढोलक वादक जो हैं, पर्चा उधर दे दो। मिंटू शर्मा, मिंटू भाई साहब को ये पहला पहला आशीर्वाद आया 21 रुपयों का। कैसे ढोलक बजती है? अच्छा सुनिएगा, आपका नाम है भैया, क्या लिखा है? शिवानंद, शिवानंद राजपूत भैया, मोरावा उन्नाव से आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े मनोयोग से आप सुन भी रहे हैं और कॉपी और पेन लेकर कुछ नोट भी कर रहे थे। क्या बात है, आप भी कीर्तन गाते हैं? हम समझ गए, जितने लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो समझ जाइए भावी कीर्तनकार हैं। जितने भी, अच्छा चलिए भाई, अरे आप, आपका तो काम इतना अनोखा है कि आप जितने बैठे सबको कीर्तनकार बना दें। क्या बात है, अपने कैमरे में कैद करके सुनिए। तन को देखो गन्ना बनाया, अपनी दिखलाई है माया, और फिर पैर के रस है पिलाया, पाया अपनी है दिखलाया। अभी देर तक बच्चा दिखाई नहीं दिया तो तुंग भद्र जी ने अपने बेटे को आवाज लगाई, और जब आवाज लगाई तो हुआ क्या? हो सुत को जो ही पिता ने बुलाया, तो नाक से बाहर पुत्र है आया। नोट करो, आवाज लगाई और चूंकि सर्दी हो गई थी तो छींक भी आ गई, छींक के साथ बच गया। रस बना दिया था तो मुंह से वो अंदर चला गया, और छींका तो नाक से बाहर आ गया। ये है अंदर बाहर। धन्यवाद है, तो ऐसे ना करिए, ऐसे करिए, क्योंकि ऐसे सबको सुनाई नहीं देगा, जब आप ऐसे करेंगे तो सुनाई देगा। आओ क्या, थोड़ी ताकत लगा के। धन्यवाद है, आपने, आप लोगों ने प्रशंसा की। सुनिएगा, अष्ट सिद्धियों का ज्ञाता नर नाहर होता है, तो यहाँ क्या हुआ? क्या? अष्ट सिद्धियों का ज्ञाता नर नाहर होता है, तो ये बालक गन्ने के रस के रूप में वो मुख से अंदर जाता है, और छींक के माध्यम से वो मुख से अंदर जाता है, नाक से बाहर होता है। ये पहली बात हो गई। 51 रुपयों का पुरस्कार आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, आप कोटेदार हैं नमा खेड़ा से। अच्छा आप है भैया, धन्यवाद है, ये छींक के लिए आए हैं, छींक के लिए, बहुत सही जवाब के लिए। रस के रूप में मुंह से गया और छींक के रूप में बाहर निकल आया। धन्यवाद है हमारे कोटेदार भैया को। और एक हमारे कोटेदार भैया और भी हैं। उधर से भी आएगा तो? नहीं नहीं, वो पुरस्कार आ चुका है, वो एडवांस में आ गया था। हमारे पवन भैया के परिवार में हमारे बड़े भैया कोटेदार हैं, उनकी तरफ से 101 रुपए। तो पवन भैया को धन्यवाद, हमारे कोटेदार भैया को धन्यवाद, और जो भिजवाया हो यहाँ भिजवा दीजिएगा पवन भैया, अपने पास हमारा जो भेजा गया आशीर्वाद है वो मत रखिएगा। आइए दूसरी कहानी आपको बता रही हूँ। विकटासुर ने राजा वेणु को खाने के लिए अपना मुंह फैलाया, जब मुंह फैलाया तो राजा वेणु मच्छर बनकर उसके मुंह के अंदर चले गए, उस असुर के मुंह के अंदर। तो हुआ क्या? क्या? खाने को है मुख फैलाया, अपना रूप विराट दिखाया, विराट रूप में
मच्छर बन गए। हुआ क्या? मच्छर, ओ मच्छर बनकर अंदर धाया और दाएं कान से बाहर आया। ये नोट करो, दाएं कान से मच्छर बन के मुंह के अंदर और सुर दाएं कान से बाहर। तो उसने अपना गदा चलाया, उसको स्वर्ग लोक पहुंचाया। ससुर का अपनी गदा का प्रहार किया, वध किया, तो हुआ क्या? क्या? किसी से जो ना हारे वीर बलधर होता है, जो हो मुख से अंदर जाता है कान से बाहर। आपको बता रही हूँ, जरूर जरूर ये लीजिए। नीलू भैया कोटेदार हैं सुमेरपुर से, हमने कहा था भी कोटेदार से हो रहा है। 101 रुपयों का पुरस्कार भेजा है, नीलू भैया को धन्यवाद है। कोटेदार, और ये जो कोटेदार, सामने कोटेदार, बाएं कोटेदार, घर में कोटेदार, वाह वाह कोटेदार कोटेदार। 101 रुपयों का पुरस्कार भेजा है भैया ने हमारे सुमेरपुर, नीलू भैया कोटेदार, बहुत बहुत धन्यवाद है। परिवार में मंगल बना रहे, समृद्धि बनी रहे, यही कामना है। अंतिम बात सुन लीजिए, आपकी विधा को पूरा किया है मैंने। राजा अश्वसेन को युद्ध भूमि में तारकासुर ने अपनी माया से पानी बना दिया और पी गया, और जब पी गया तो हजम नहीं कर पाया। ना, 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 लीवर कमजोर पड़ गया। सुनिएगा, उसके तन को जल है बनाया, मिंटू भैया जो लोग समय को देखकर काम करना जानते हैं वाकई में वही आर्टिस्ट होते हैं। आओ तो, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप इतने पुराने हैं, इतनी समझ आपको है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ। लेकिन इनके चश्मा अब तक नहीं लगा। राम भोग, उसके तन को जल है बनाया, कुछ तो पिया कुछ से नहाया, पानी बना दिया और कुछ पानी पिया, कुछ उसी पानी से नहा लिया। हुआ क्या? अरहर गंगे जल को हजम नहीं कर पाया, उल्टी किया तो बाहर आया। क्योंकि क्यों? ये वरदान की सब है माया, इसे वापस पाई काया। तो ध्यान दीजिएगा जरा विधा पर अपनी। ओका, नोट कर। दिव्य शक्ति का ऐसा दिव्य जौहर होता है, क्योंकि आप एक आपकी एक लाइन थी कि मुंह से अंदर होता है मुंह से बाहर होता है, तो दिव्य शक्ति का ऐसा दिव्य जौहर होता है, जल बनाकर मुंह से पिया और हजम नहीं कर पाया तो मुंह से ही उगल दिया, पवन कर दिया। तो पंक्ति क्या आई कि मुख से